de ahí. श्रीमती डॉक्टर बाबूलाल जी शर्मा का सम्मान, सर्वप्रथम तिलक, श्रीफल भेंट और माला संस्था के अध्यक्ष श्री शरद केड़िया द्वारा। लेखक अथवा लेखिका को इस प्रकाशन के लिए नगद पुरस्कार 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। मैं चाहूंगा राज्यपाल जी एक चेक भी इन्हें भेंट करें। सभी के हाथों में यह पुस्तक और आज महामहिम जी की गरिमा में उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया गया और एक चेक नथमल जी के दिया की इच्छा अनुसार 10,000 रुपए की धनराशि सप्रेम भेंट की जा रही है। इसी क्रम में अर्चना के ही वरिष्ठ सदस्य श्री काली प्रसाद जी जायसवाल से निवेदन कि कृपया वो अपनी पुस्तक भेंट करें महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम में। श्री और अब आदरणीय राज्यपाल जी से विनम्र निवेदन, इन्हें शॉल धारण कर सम्मानित करें। श्री जगदीप जी धनगढ़ महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल, शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। एक चेक नगद राशि 51,000 रुपये की भेंट एवं एक प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र इस तरह है, प्रशस्ति पत्र नथमल केड़िया साहित्य पुरस्कार 2019 महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों द्वारा डॉक्टर बाबूलाल शर्मा को नथमल केड़िया साहित्य पुरस्कार 2019 प्रदत्त। सुनाम धन्य हिंदी और राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर बाबूलाल शर्मा का जन्म 1 दिसंबर 1947 को राजस्थान के सकराय संकमरी माता जिला सेक्टर से हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और विचार शिक्षा और साधना के भाव से उत्प्रोत डॉक्टर शर्मा ने अपने गांव में विद्यालय भवन एवं पुस्तकालय और वाचनालय का निर्माण कराया, जिससे विद्यार्थियों में अध्ययन के संस्कारों का वपन हो। जयपुर से राजस्थानी भाषा में सर, केरला में आज जो हुआ, केरला के गवर्नर मैं इसी कार्यक्रम के बारे में बात करूँ। नथमल केड़िया जी एक बहुत बड़ी विभूति, उन्होंने अर्थ से अलग हटकर सामाजिक सुधार के लिए जो कार्य किया, इसकी शुरुआत 1952 में की, इसकी जानकारी मुझे 1989 में हुई, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा। जिनको पुरस्कृत किया गया है वो बड़े सुप्रसिद्ध हैं और आदमी आज की आपाधापी में लक्ष्मी पूजा करता है और साहित्य की ओर ध्यान देंगे तो हमारी जड़ें कट जाएंगी। साहित्य का सर्जन करने वाला व्यक्ति, उसकी यदि हम पूजा करते हैं तो समाज में शांति आएगी, वायलेंस कम होगा और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। हिंदुस्तान भारत विश्व गुरु बनेगा क्योंकि था पहले एक ही बात से लेकर कि सांस्कृतिक रूप से हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। वो रास्ता हाल के वर्षों में दिखाने वालों यदि कोई एक व्यक्ति है तो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके सुपुत्र उसको आगे ले जा रहे हैं, सार्थक तरीके से ले जा रहे हैं, मजबूती से ले जा रहे हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ भी कहा आपने, मैंने इसलिए कहा कि उन पंक्तियों का जो भाव है, उन पंक्तियों की जो गहराई है, जो चिंतन है, जो मंथन है, वो मुझे भी ऊर्जा दे रहा है। कोई भी कार्य करते समय यदि अगर हम नुक्ताचीनी में पड़ जाएंगे, दोषापन में पड़ जाएंगे, दूसरे की कमी देखेंगे और पीछे देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी व्यक्ति स्वैधानिक पद पर है, मेरा उसे यही आग्रह है, यदि अगर हम टिट फॉर टैट की अप्रोच में हो जाएंगे, जैसा मैंने आज ट्वीट किया है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विद एन ओपन माइंड, जनता की सेवा करने के लिए, कार्य निर्वहन करने के लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं राज्यपाल की हैसियत से किसी भी परिस्थिति में किसी को यह नहीं कह सकता कि आपके गिलास में पानी आता है या आपके यहाँ कोई कमी है।
मैं मानता हूँ कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसको आगे बढ़ाने में एक पहिया राज्यपाल का है, दूसरा मजबूत पहिया सरकार का भी है, पर दोनों पहिए एक साथ चले ये मेरा प्रयास रहेगा। हाल के संकेत मुझे बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पत्र है 26 दिसंबर का सार्थक डायरेक्शन देने वाला है, पॉजिटिव माइंड बताता है, मैं समझता हूँ इसके अच्छे परिणाम होंगे। हो सकता है कि उनके मंत्री को उस पत्र की गहराई और भावना समझने में कुछ समय लगे, पर जब भी उसकी भावना को समझेंगे, उसकी आत्मा को समझेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे, तो उनको एक बात समझ में आएगी, लेट अस लुक एट, लेट अस एंगेज इन टू पॉजिटिव वर्क। हमें ये देखना चाहिए हम जनता का कल्याण हर परिस्थिति में करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। केरला में आज